इसको समझने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझने के लिए बहुत सारे वर्ड्स आज हम लोग न्यू सीखने वाले हैं इसमें। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा, दैट इज ए आर टी है लिखा हुआ। देखिए पेज नंबर 64 निकाल के बैठेंगे सारे बच्चे। यस मैम, पेज नंबर 64 निकालेंगे, आपको वहां पे दिख जाएगा लिखा हुआ ए आर टी, ठीक है, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो भी आपको समझना है। तो इस आर्ट के तहत जो यहाँ पे पहली चीज आती है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा आप लोगों ने नाम सुना है ऑलरेडी, वो यहाँ पे एक टर्म आता है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या आता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोला जाता है आईवीएफ। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स जगह जगह पे, अब तो पटना में या फिर जगह जगह पे दूसरे प्लेसेस पर भी बहुत ज्यादा आईवीएफ सेंटर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आपको डिफाइन करना हो, कोई बोले कि इसको आपको समझाना है, तो आप कैसे समझाएंगे किसी को कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आईवीएफ, ठीक है। तो यहाँ पे इन विट्रो एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? इन विट्रो लिखा है, ठीक है। इन विट्रो का पहले तो आप ये मतलब समझ जाइए कि अगर कहीं पे भी आपको कोई इन विट्रो लिख के दे रहा है, दैट मीन्स कि इन लैब कंडीशंस, इन लैब कंडीशंस, ठीक है। चाहे तो आप लैब कंडीशंस की जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, और दूसरी भाषा में इसी को बोला जाता है, और इन आर्टिफिशियल कंडीशंस, ठीक है। तो इसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, चाहे तो आप आर्टिफिशियल कंडीशन की बात कीजिए, चाहे आप लैब कंडीशन की बात कीजिए। इतना बोलते के साथ मैंने जैसे इतना बोला है, आप बोलेंगे अच्छा हमें समझ आ गया कि क्या चल रहा होगा इसके अंदर, ठीक। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे लिखा जा सकता है फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज इन आर्टिफिशियल कंडीशन, दैट इज इन आर्टिफिशियल कंडीशन और इन लैब कंडीशंस, इन लैब कंडीशंस। क्लियर है सबको? बात समझ आई, याद हो गया, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे बात और जो भी कंक्लूजन आप समझ सकते हैं, वो ये निकल के सामने आता है कि यहाँ पे क्या होना है कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इस तरीके से होगा कि उस कंडीशन में क्या होना है, जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, आउटसाइड द बॉडी होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट करने दीजिए, ये शिफ्ट होने की वजह इसके ऊपर चलने ही लग रहा है। मैम, हाँ बोलिए मैम, एआरटी का फुल फॉर्म बोले थे ना, तो इसे क्या बोले थे, फिर से बोलिए, मेरे पास बुक नहीं है। एनसीईआरटी बुक खुली है आपके सामने? एनसीईआरटी बुक है? मैम बुक नहीं है, ये ऑनलाइन ऑर्डर की है। मेरे पढ़ाने का बायो में जब कोई टीचर पढ़ाता है ना, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, मैं लिख देती हूँ, ठीक है? आप घबराइए नहीं, एक एक चीज मैं लिख दूंगी, मुझे लगा शायद सुना नहीं होगा आपने। चलिए ये है, और इसको समझने के लिए आपको दूसरी जो चीज करनी है यहाँ पे, इसको हटा देती हूँ यहाँ से, यही चलने लगा था अपने आप। चलिए सही हो गया, ये ना थोड़ा ब्लर है, उतना साफ नहीं है, मैं काफी टाइम से देख रही थी, उसमें सबसे बेस्ट यही है। इसको देखने के बाद ना मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कुछ और लिखने की जरूरत है, समझने के लिए सारे स्टेप्स इसने जो 1 2 3 4 यहाँ पे लिखे है ना, एकदम परफेक्ट है, ठीक है? ना कम है ना ज्यादा है, मतलब इन शॉर्ट अगर आपको किसी को समझाना हो तो ये बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? तो यहाँ पे उसी की बात हम लोग करते हैं। तो इसको जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, ये क्या है? इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या है ये? इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है? बहुत ध्यान से देखेंगे, समझिए इसको। पहला जो यहाँ पे आपको ये समझा रहा है, यूज्ड एज अ रेमेडी फॉर इनफर्टिलिटी, ये तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं तब से कि आउटसाइड द फीमेल बॉडी इसको कराया जा रहा है। वुमेन्स एग सेल्स आर कंबाइंड विद अ मैन्स स्पर्म सेल्स आउटसाइड द यूट्रस। पहले क्या होता था, और अभी भी बहुत सारी किताबों में इसको नाम दे दिया जाता है, बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, तो उसके लिए क्वेश्चन भी आता है आजकल। क्वेश्चन ये आता है कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है वो एक मिसनोमर क्यों है, ठीक है? बायोलॉजिकल फील्ड के लिए या फिर साइंस के फील्ड के लिए। इस टेक्निक से सबसे पहले एक जो फर्स्ट बेबी बनाया गया था वो 1978 में, 1978 में। बहुत अच्छा डेटा है ये, आपकी एनसीईआरटी में नहीं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है? तो जब फर्टिलाइज हो गया तो फिर फर्टिलाइज्ड एग को क्या करना है, इम्प्लांट करना है वुमेन के यूट्रस पे, ये भी आपको पता है। एंड इफ सक्सेसफुल बिगिंस द प्रेगनेंसी साइकिल, द फर्स्ट बेबी रियलाइज्ड फ्रॉम दिस फर्टिलाइजेशन मेथड वाज, यहाँ पे कुछ और होगा शायद, वाज बोर्न इन 1978, ठीक है? अब इसके स्टेप्स देखिए, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत आसान है, ठीक है? सबसे फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे ये होता है कि यहाँ हॉर्मोन का डोज दिया जाता है, ठीक है? साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, द वुमेन इज गिवन हॉर्मोन ट्रीटमेंट्स टू स्टिमुलेट एग प्रोडक्शन, ठीक है? जो ये लिख रहा है एग प्रोडक्शन, दैट मींस कि यहाँ पे ओवम के रिलीज के लिए इसको जबरदस्ती स्टिमुलेट कराया जा रहा है। कोई दिक्कत किसी को? यस और नो, ये नहीं कि पूरा समझा दिया फिर बोलिएगा मैडम फिर से शुरू से समझाइए। यस और नो, समझ आया साथ साथ में रिप्लाई करते चलिए, नहीं समझ आया इसी टाइम पूछिए, अभी मैंने स्टेप वन बताया है, नहीं समझ आया फिर से पूछिए मेरे से। तो यहाँ पे पहला स्टेप, स्टेप वन मैंने क्या बोला, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्टेप वन मैंने बोला है कि फीमेल को हार्मोनल डोज दिया जाता है, ठीक है? उसको इंजेक्ट किया जाता है जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वगैरह के डोज होते हैं, जिससे उसको स्टिमुलेट किया जाता है कि क्या करे, ये ओवरी जो है इसको ओवम रिलीज करके दे। देखिए यहाँ पे लिखा है इसमें, ये जो दिखा रहा है ना ऐसे छोटा छोटा, 1 2 3 4 होना तो नहीं चाहिए था इतना सारा, लेकिन इसको जानबूझ के स्टिमुलेट किया गया है चांसेस बढ़ाने के लिए। सेकेंड स्टेप के तौर पे जो यहाँ पे लिख रहा है, सेकेंड स्टेप आपका यहाँ पे क्या है, मल्टीपल एग्स आर टेकन फ्रॉम द वुमेन्स ओवरीज, ठीक है? अब यहाँ पे ये मल्टीपल के केस में लिया गया है, कितना लिया गया है, मल्टीपल, ठीक है? ये एक ही नॉर्मल केस में हर बच्चे को पता है। अभी जैसे डाउट पूछा था आप लोगों ने एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रही थी, उसमें यही चीज मैंने पढ़ाया आपको, मैंने तो नहीं लिखा, या फिर दुनिया का कोई ऐसा साइंटिस्ट या रिसर्चर जो भी हो वो नहीं लिख सकता कि बहुत सारे वहां पे रिलीज होंगे, जब भी रिलीज होगा एक ही रिलीज होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती ज्यादा रिलीज कराया जा रहा है, ठीक है? मल्टीपल एग्स लिखा हुआ आर टेकन फ्रॉम द वुमेन्स ओवरीज, ठीक है? अब इसको देखिए यहाँ से निकाल के और ये पेट्री डिश में डाला गया ऐसा ही ओपन सा, और पहली बात तो टेस्ट ट्यूब होता ही नहीं इसमें कहीं पे भी, ठीक है? तो मिसनोमर है बिल्कुल, ऐसा थोड़ी है कि आगे जाके किसी में ऐसी कैपेबिलिटी है, एक रोबोट भी कोई बना के खड़ा कर देना उसके अंदर भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। जैसे कैसे मैं आपको द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा रही थी तो सोफिया रोबोट मैंने दिखाया था आप लोगों को बोलते हुए, ठीक है? कोई सोचे, कोई साइंटिस्ट बोले मैंने इतना अच्छा रोबोट बनाया है उसके अंदर ले जाके चलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं, वो भी फेल कर जाएगी वहां पे। वो ये सिर्फ नेचुरल ह्यूमन फीमेल बॉडी ही कर सकती है, ठीक है? फिर देखिए इन द लैब क्या हो रहा है, एग के साथ मैन स्पर्म को एग यहाँ पे लिख रहा है, कोई बात नहीं, क्या है, यही ओवम है, ठीक है? आपको घबराने की जरूरत नहीं, पता है यही क्या है, ओवम है, ठीक है?
फिर स्पर्म्स को यहाँ पे रिलीज किया जाता है ताकि ये क्या हो जाए, यहाँ पे फर्टिलाइज कर जाए। ठीक है, तो ये जो स्पर्म है किसके साथ फर्टिलाइज करेगा, ओवम के साथ, जो मल्टीपल यहाँ पे लिया गया था। द फर्टिलाइज्ड एग्स आर और एम्ब्रियोज आर प्लेस्ड इन एन इनक्यूबेटर फॉर अबाउट 48 आवर्स। क्यों छोड़ा गया 48 आवर्स के लिए, कोई बताएगा रीजन मुझे? आप में से कोई बच्चा, इसको इतने टाइम तक क्यों रिलीज किया गया है, रीजन बताइए मुझे, सोचिए। मेरा क्वेश्चन समझ आया सबको? मैंने पूछा कि ये क्यों लिखा है इसने कि 48 आवर्स के लिए इसको इनक्यूबेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन समझ आया मेरा? रीजन सोचिए क्या होगा। देखिए, इसको 48 आवर्स के लिए इसलिए, तभी तो ये डिवीजन करके अपने सेल का नंबर इंक्रीज करेगा और ये एम्ब्रियो बनाएगा। जब तक यहाँ पे इंक्यूबेशन के लिए इस चौथे स्टेप में नहीं छोड़ा जाएगा तो एम्ब्रियो लिख ही नहीं सकते हम यहाँ पे। याद आया ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, मैंने पहले ही बोला था जिसका ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर बहुत अच्छा है उसको ये चैप्टर के कुछ जो टर्म्स वगैरह हैं ये बहुत अच्छे से समझ आएंगे। तो यहाँ पे एम्ब्रियो को क्या किया जा रहा है, इम्प्लांट किया जा रहा है वेमेन की यूट्रस में, ठीक है, या फिर इसका क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाएगा फॉर फ्यूचर यूज के लिए। क्रायो प्रिजर्वेशन याद आया आप लोगों को? तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ है, आउटसाइड द फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा है, इन आर्टिफिशियल कंडीशन और इन लैब कंडीशंस। आप लोग जब इसको नोट करेंगे आज, इसका मतलब इस, क्योंकि आज ये चैप्टर ओवर होगा तो इसका पूरा पीडीएफ चला जाएगा आपके पास। तो आप लोग जब इसको नोट्स बनाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे ये वन है यहाँ पे, ठीक है, तो वन के लिए आप लोग यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट वाले स्टेप के लिए आपने यहाँ पे इसको लिखा, फिर नीचे एरो देंगे, फिर सेकंड, फिर एरो देंगे, थर्ड, फिर एरो देंगे। आपके पास अब तो इतनी सहूलियत है कि ये सब कुछ यहाँ पे आपको मिल रहा है रेडीमेड फॉर्म में। पहले जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था और जो जो जिन जिन बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकाला है, मैं उनको पढ़ा के छोड़ देती थी वही ये बना के, और मतलब प्रॉपर वे में कोई कोई बच्चा उसको साइकिल में बना के लेके आता था, कोई बच्चा इसको मतलब एक एक डायग्राम के साथ एक एक स्टेप करके लिख लिख के ला रहा है। तो बाकी आपकी क्रिएटिविटी है, आपको बस चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके साथ, इसमें कोई डाउट किसी को, एक दूसरे टर्म की तरफ शिफ्ट करूंगी तभी पूछ रही हूं मैं। इसमें कोई दिक्कत किसी को, रिप्लाई कीजिए उधर से, क्लियर नो है मैम, आवाज जाओ यस मेरी? मैम, यस आ मैम, रहा है। यस मैम, समझ आया? आसान है, ठीक है, हाँ आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो ये जो है ना ये आसान है, इसको बस समझते चलना है कि हमसे अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता, ठीक है। तो चीजें जो है वो और इजी हो जाएंगी आपके लिए। पहले मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ, इसको आप दोनों बोल सकते हैं, चाहे तो आप बोल लीजिए असिस्टेड, ठीक है, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और टेक्निक्स भी लिख सकते हैं आप इसको, टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हैं, टेक्निक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। टेक्नोलॉजी, चलिए ठीक है, हो गया ये। देखिए आप लोगों को बुक के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारा पीडीएफ आपको गूगल पे अवेलेबल है, ठीक है, उसको रख लेंगे डिवाइस में। सारे चैप्टर्स की अब तो बुक खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं, कहाँ कहाँ ढोते चलिएगा। तो सारी चीजें हैं अवेलेबल। किसने, आकांक्षा ने बोला था, किसने बोला था कि बुक ऑर्डर किया है अभी? यस देखिए मैम, हम मैं बता देती हूँ, ऐसे ऐसे मिल जाएगा आपको। किसने बोला था, बोलिए उधर से नाम बोलिए, अकांक्षा। आकांक्षा, देखिए आकांक्षा, ऐसे मिल जाएगा आपको, जैसे है ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12। हाँ आकांक्षा, यस देखिए ऐसे गए, जो ये LEBO 103 लिखा हुआ है ना, इस पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो ये डाउनलोड का ऑप्शन पूछ, ये देखिए ये आया, और फोन में भी खुलता है ये। फोन में मेरे पास सारे चैप्टर्स फोन में भी अवेलेबल है, सारे चैप्टर्स मेरे पास इसमें भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये पूरा ओपन हो जाएगा और उसमें आपको डाउनलोड का ऑप्शन, फोन में तो सीधा क्लिक करने पे डाउनलोड का ही पूछ लेता है,
तो पूरा चैप्टर, जैसे ये तो मैंने 3 खोल दिया, 4 जो है तो वो आपके पास पूरा चला जाएगा। तो अब उसकी कोई टेंशन नहीं है, आप कोई दूसरे डिवाइस में या घर में किसी के फोन में आप रख सकते हैं साथ में, और उससे नोट्स भी बना सकते हैं। अब तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए, अब मैं आपको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पोर इंजेक्शन पढ़ाने जा रही हूँ। इसी के अंदर ही, मतलब बोलते नहीं है, इंटीग्रेटेड चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, ठीक है। तो वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, और टर्म क्या है आपके पास, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। अच्छा, एक चीज सोचिए, यहाँ पे इस वाले स्टेप को सोचिए, ठीक है। यहाँ पे जब ओवम है और स्पर्म्स भी हैं, ओवम भी है और स्पर्म भी है, तो इसके चांसेस को बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, इसके चांसेस को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ डायग्राम, ये देख लीजिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये देखिए। सबसे बढ़िया ये जो आपको समझा सकता है वो आपको फोटो समझा सकता है, ये देखिए, कुछ नहीं है, बस यही है। इसी को देखिए, मान लीजिए ये है, सपोज कीजिए कि इसी को आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये भी बहुत आसान है। देखिए, इसका बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो ICSI है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। चलिए समझाती हूँ मैं आपको। अब ऐसे समझिए, बहुत आसान है। टॉपिक क्या है, पहले मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूँ आपको। ये हो गया ICSI, ठीक है। ICSI का मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये सब कुछ जो आप डायग्राम देख रहे हैं, दैट इज डायग्राम किस चीज का है, ये डायग्राम है आपका इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्लियर है सबको, फुल फॉर्म एटलीस्ट है ना, पूछा जाता है ज्यादातर तो एक्सपेंड करने को पूछा जाता है। अच्छा, मैंने इसको डिलीट किया तो वही रब हो गया, कोई बात नहीं, वापस आ जाए। स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। ज्यादातर आपने नोटिस करा होगा नीट वीट में, या फिर जो एग्जाम्स पूछे जाते हैं, ज्यादातर इनका एब्रिविएशन जो है वही पूछा जाता है, ठीक है। ये यहाँ से भाग गया, इसको वापस ले आते हैं हम लोग। ये रहा, चलिए समझाना स्टार्ट करती हूँ मैं आपको। इधर देखिए, इसके केस में क्या है कि यहाँ पे जो बोल रहा है ना, कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन, क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आप अपने कंट्रोल में, आपके कंट्रोल के अंदर में सारी चीजें हो रही हैं। नॉर्मल तो मैंने आपको सिखाया ही, जो आपने डाउट पूछा था वो क्वेश्चन, हालांकि बहुत अच्छा था, सारे बैक क्वेश्चंस आप लोग ऐसे ही कीजिएगा, तो कहीं कोई डाउट आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। 40% जो क्वेश्चन आंसर है बोर्ड एग्जाम का, वो तो NCERT का बैक क्वेश्चन ही कवर कर लेता है, ठीक है। और 60% उसको कॉन्सेप्ट जो है, रटना नहीं, कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन लिख रहा है, ठीक है। इसका ये मतलब है, यहाँ पे ये जो डोज है ये हार्मोन का दिया जा रहा है। किसका दिया जा रहा है, हार्मोन का दिया जा रहा है।
हार्मोन का इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप यहाँ से क्या कर सके, इंक्रीज करा सके किस चीज को, ऊ साइट के नंबर को। ऐसे तो एक ही रिलीज होता है ऊ साइट ना, सबको पता है। यहाँ पे क्या किया गया, ये देखिए ऊ साइट कलेक्शन। व्हाट इज ऊ साइट? ओवम कलेक्शन। क्या ये? ओवम कलेक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, एक देखिए सीरिंज का ना, ये सिर्फ जो आगे वाला हिस्सा जो निडल होता है यही दिखाया है, इसकी बैक वाला ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ये बैक वाला, इसको ये बेचारा नहीं शो कर रहा है यहाँ पे। इसको पता है, बच्चों के पास इतना कॉमन सेंस है कि वो समझ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है माइक्रो मैनिपुलेटर सिरिंज, ठीक है। और यहाँ पे कराया क्या जा रहा है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर ही डायरेक्ट इंजेक्ट करके क्या कर दिया गया, ये जो स्पर्म है यहाँ पे, इसको यहाँ से डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। उधर से, इधर से ये काम भी चल रहा है और उधर से स्पर्म कलेक्शन का काम भी चल रहा है। और फिर क्या होना है, जब इसको दिया गया स्पर्म का इंजेक्शन, तो फिर ये क्या होगा, यहाँ से जायगोट, इसके बीच में जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, लिखा नहीं है इसमें, इसके बाद क्या होगा, जायगोट फॉर्म होगा। क्या होगा इसके बाद? जायगोट फॉर्म होगा, ठीक है। जायगोट फॉर्म होने के बाद क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे टू सेल्ड स्टेज होगा, फिर ये क्लीवेज करेगा, फोर सेल्ड स्टेज होगा, फिर यहाँ पे एट सेल्ड स्टेज होगा, 16 to 32 सेल्ड स्टेज होगा, मतलब एम्ब्रियो के फॉर्म में हो गया। फिर इसको क्या किया जा रहा है, फिर इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए आप अपनी एनसीईआरटी किताब में ध्यान से, ठीक है, देखिए तो ध्यान से, एक जगह ईटी है लिखा हुआ, देखिए एम्ब्रियो ट्रांसफर करके ईटी है लिखा हुआ, यस मैम, देखिए ध्यान से मिल जाएगा कहीं ना कहीं, अंडरलाइन कीजिए उसको, ईटी को अंडरलाइन कीजिए, आईवीएफ को कीजिए, आईसीएसआई को कीजिए, है ना ये, हाँ, एआरटी को कीजिए, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये सारे आपको छोटे छोटे टर्म्स मिलेंगे यहाँ पे, जिसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि ये एक्चुअल में आपको बोल क्या रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एक मैम ही और इम्पोर्टेंट टर्म आएगा, दो टर्म आएगा आपके पास, एक नहीं, एक की बजाय दो टर्म्स आएंगे आपके पास। हाँ बोलिए, कोई नोट कर मैम, रहा एक है चीज इस पेज समझ में को, नहीं कोई आया, बच्चा फिर तो से नोट कर बताइए। लीजिए। देखिए ईटी जो है इसका फुल फॉर्म है एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसमें समझो ना क्या है, देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अगर आपसे ईटी पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ईटी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म लिखिए, बेचारा तो खुद ही अपना काम क्लियर कर रहा है, इसमें समझना क्या है, देखिए एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। अब इसको देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफर कब करने की जरूरत है, अच्छा क्या फीमेल की बॉडी में एम्ब्रियो बनेगा उसके लिए हम एम्ब्रियो ट्रांसफर लिखेंगे क्या? बोले कोई भी बोलेगा पागल है क्या ये, एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब है कि बाहर बनाया गया है इसको, ठीक है। द एम्ब्रियो विच इज फॉर्म्ड इन इन विट्रो कंडीशन इज ट्रांसफर्ड इन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, यूट्रस में उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो ये ईटी या एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या है, ये एक्चुअल में एक फेनोमेना है किस चीज के लिए, आपको अगर लिखना हो ऐसे, ठीक है, तो आप लिखिए ये एक फेनोमेना है कि जब आपने इन विट्रो कंडीशन में एम्ब्रियो को बना लिया है, फॉर्म कर लिया है, तो उसके बाद एक चैलेंजिंग जॉब होता है कि आपको क्या करना है, आपको उसको ट्रांसफर कराना है फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है उसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, दोनों में लिखा जाता है, देखिए दोनों ही अब सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप ऐसा सोच के चलिएगा ये अलग है वो अलग है वो अलग है, फिर दिक्कत आ जाएगी आपको, ये सब जो है ना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो ट्रांसफर इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप, क्रूशियल स्टेप
ये बेचारा टाइम वाला जाए यहाँ से तो ये चली नहीं, शिफ्ट होगा कहीं इधर से स्टेप। ठीक है चलिए इसको हम बाद में सही कर लेंगे। आप लोग स्टेप लिखिएगा, इसको स्लैप मत लिख लीजिएगा, थोड़ा ज्यादा ऊपर लिख दिया मैंने, इसको नीचे कर देते हैं। हाँ अब तो हो गया क्रूशियल स्टेप। ठीक है क्या होता है इसमें इन एन, अब सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, किसमें इन एन आईवीएफ भाई उसी के अंदर तो सारी चीजें हो रही हैं। अभी मैं दो तीन और टर्म बताऊंगी वो भी इसी के अंदर आएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और अब देखिए ये भी आ गया, ये भी यहाँ उठ के आ जाएगा आईसीएसआई। व्हाट इज आईसीएसआई? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, बार बार मैं इसलिए लिख रही हूँ कि कम से कम याद हो जाए आपको, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म इंजेक्शन ये हो गया इंजेक्शन। इंटरकनेक्टेड कैसे है आपको खुद भी समझ आ रहा होगा, साइकिल, उसके साइकिल के बीच में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब क्या है ये, व्हाट इज दिस, उसके लिए लिख लीजिए इट इज अ प्रोसेस। अब हो सकता है इट इज आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से लिख लेती हूँ, ईटी मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है बार बार क्या एब्रीविएट करते चले, इज अ प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच एम्ब्रियोज वन और टू इन नंबर, वन और टू इन नंबर आर प्लेस्ड इन द यूट्रस, इन द यूट्रस विद द help of soft catheter काफी सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसी में डाल के ट्रांसफर किया जाता है विद द इंटेंट ऑफ विथ the intent of achieving a healthy pregnancy। अब हो गया वीना, अब ठीक है achieving yes a yes ma'am healthy प्रेगनेंसी। चलिए ठीक है लिख लिया, अब तो मैंने लिख ही दिया आपके बदले, ये सब आप लोगों को लिखना था जो है मैंने ऐसी लिख दिया स्टेटमेंट में, ये आप भी लिख सकते हैं, कोई बच्चा हो सकता है इससे भी अच्छा लिख सकता है तो उसकी टेंशन मत लीजिए, मेन यहाँ पे ये है आपको समझ आना चाहिए। ठीक है अब देखिए दो और हम लोगों के पास टर्म्स आएंगे, स्पेशल टर्म आएंगे। ठीक है एक है आपके पास जिसको हम लोग बोलते हैं जेड आई एफ टी, एक को हम लोग क्या बोलते हैं जेड आई एफ टी, जेड आई एफ टी का मतलब जायगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, एक को हम लोग क्या बोलते हैं
जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फर्क समझिए दोनों में, एक क्या है आपके पास जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, एक टर्म है आपके पास यहाँ पे जेड आई एफ टी, जेड आई एफ टी, ये टर्म हो गया आपके पास, आसानी से लिखा जा सकता है, इसको देख के समझ में आता है, जायगोट इंट्रा फेलोपियन। अब अच्छा एक कॉमन सेंस लगाइए, अगर मैं आपसे इस पे क्वेश्चन है पूछा हुआ है, नीट में ही पूछा हुआ है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ या ड्यूरिंग द फेनोमेना ऑफ जेड आई एफ टी द जायगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू, अब कुछ ऐसे ऐसे भी गधे बच्चे होते हैं जो उसमें ऑप्शन में नीचे लिखा है फेलोपियन ट्यूब यूट्रस वेजिना सर्विक्स, तो उसमें भी कुछ ऐसे ही महानुभाव बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन बेचारा खुद ही आंसर बोल रहा है तब भी यूट्रस में टिक मार के आ जाते हैं। जायगोट को यूट्रस में टिक क्या कीजिएगा ट्रांसफर करके, जायगोट की जगह जो ओरिजिनल है वो कहाँ है, फेलोपियन ट्यूब में है, और ये टर्म बेचारा भी खुद ही यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि जायगोट को कहाँ पहुंचाया जा रहा है, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, तो यहाँ पे जायगोट को कहाँ पहुंचाया जा रहा है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ये बताने की जरूरत ही नहीं है, तो कॉमन सेंस है, ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, उसको भेजा कहाँ जा रहा है जायगोट को, द जायगोट इज प्लेस्ड इनटू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, मतलब एक लाइन लिख लीजिए, एक लाइन ये लिखा जा सकता है इसमें, द जायगोट The zygote is placed into the fallopian tube, into the fallopian tube by the use of laparoscopy. ठीक है, अब लैप्रोस्कोपी ये मत पूछिएगा ये क्या होता है, वेजिना के थ्रू इंसर्ट करते हुए उसको पहुंचाया जाता है जायगोट तक, ठीक है, कई जगह पे आपने लिखा हुआ भी देखा होगा लैप्रोस्कोपी सेंटर, तो ये वो बहुत सारी चीजें आपने लिखी हुई देखी होंगी, इसमें जायगोट को पहुंचाया जाता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जेड आई एफ टी एंड जी आई एफ टी, समझिएगा ध्यान से, अभी मैंने लिखा है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, इसके बाद एक और टर्म आता है दैट इज गिफ्ट, ये वाला गिफ्ट नहीं है, बर्थडे वाला गिफ्ट नहीं है, ये है गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, है ना, ये yes, क्या है बोला जाता है शॉर्ट में गिफ्ट इसको, ये है गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या किया जा रहा है गेमिट को, मतलब कौन सा गेमिट ट्रांसफर किया जाएगा, फीमेल गेमिट तो नहीं, अपना कॉमन सेंस लगाइए यहाँ पे, कोई बोले ओवम ट्रांसफर किया जा रहा, आप बोलिएगा बेवकूफ है ये, इसमें बायोलॉजी नहीं पढ़ी है ना, गेमिट इंट्राफेलोपियन का ट्रांसफर का मतलब है कि वहां पे जो मेल गेमिट्स मतलब स्पर्म्स जो है उनको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो स्पर्म है उसको भेजा जाएगा, मैंस स्पर्म को भेजा जाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तभी तो फर्टिलाइज करेगा, ये तो सबको पता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है और समझा रखा है
कि जो फेलोपियन ट्यूब का जो हिस्सा है वही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, गेमीट को, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना द जायगोट, अब इसको देख के अगर मैं बोलूँ इसको देख के लिखिए तो ऐसे लिखिए, इसको देख के देखिए, यहाँ पे मैंने द जायगोट लिखा है, यहाँ पे लिख रही हूँ गेमीट्स आर, यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ गेमीट्स आर प्लेस्ड इनटू द, बाकी तो बेचारा नाम ही खुद क्लियर कर रहा है, इनटू द फेलोपियन ट्यूब, किसके थ्रू भेजा जाता है, इसको भी लैप्रोस्कोपी के यूज से ही भेजा जाता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे क्या है, गैमीट को यहाँ पे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये कुछ क्या है, आपके पास वर्ड्स है यहाँ पे छोटे छोटे मैम, जिसको आपने अभी टर्मिनोलॉजी देखी है शायद, मैंने ये, हाँ ये है चैप्टर फोर, ये तो, हाँ बोलिए मैम, वो बुक में ऐसा क्यों लिखा हुआ था फिर कि ओवम को एक फीमेल के निकाल के दूसरे फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं, उसको बोलते हैं GIFT। ओवम को, अच्छा वो सरोगेसी का केस है, उसमें आपको दोनों तरीके का पार्ट बता रहा है, इसमें दो चीजें लिखी भी रहती हैं, ठीक है, इसी के लिए मैंने ये पेज निकाला है, देखिए फटाफट सुनते जाइए, ठीक है। ये रही जिन बच्चों को कंप्लेन है कि NCERT किताब नहीं है, तो वो भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, देखिए फटाफट देखिए, क्योंकि कुछ चीजें उसका केस मैं अरुणिमा बता रही हूँ आपको, देखिए सरोगेसी भी है बट इसमें लिखा नहीं है, ये पेज पहले का है, सरोगेसी तो अब खैर थोड़ा एडवांसमेंट की तरफ चला गया। इधर से देखिए, इन इंडिया ऑफन द फीमेल इज ब्लेम्ड फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर, पता है सबको, ठीक है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स जैसे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स ETC वुड हेल्प इन डायग्नोसिस, एंड जो मैं अंडरलाइन करूंगी वही आपको अपनी NCERT किताब में करना है, सब क्वेश्चन है, अगर मैंने जो जो शब्द क्वेश्चन अंडरलाइन किया आपको नहीं मिले तो आप बताइएगा फिर मुझे, ठीक है। आपको सब नीट के सैंपल पेपर में भी मिलेगा, बोर्ड के क्वेश्चन में भी मिलेगा, ठीक है। वो किसके लिए लिखा है मैं समझा रही हूँ अभी अरुणिमा आपको, एक मिनट वेट कर लीजिए, आगे देखिए। अब यहाँ पे देन है, हाउएवर वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली नोन एज, यही मैं बोल रही थी NCERT में आपको अंडरलाइन करने के लिए, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, इसको आर्ट बोला जाता है शॉर्ट में, ठीक है। ये वो वाला आर्ट नहीं है आपके स्ट्रीम वाला कि कोई साइंस ले रहा है कोई आर्ट्स ले रहा है, ये दूसरा आर्ट है, ठीक है। और नेट पे जब इसको डालिएगा ना, जैसे मैं देख रही थी अभी कुछ देर पहले करके, ICSI डालिएगा ना तो कुछ इंस्टीट्यूट और कॉलेज खुल जाते हैं, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब कुछ अब्रिविएशन ऐसे होते हैं जिसके लिए बहुत सारे फुल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इसके बाद जो समझाया है अभी तक तो एक हम लोग को आर्ट मिला है बस, और कुछ मिला नहीं। आगे देखिए फिर क्या है यहाँ पे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का केस जब स्टार्ट होता है, किसका, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज IVF, ठीक है। तो इसको लिखा है साफ साफ फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, कैसे कराइएगा, जब एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा तभी तो, is one of such methods in this method popularly known as test tube baby program. अब क्या लिखा है sample paper में question, why is the term test tube baby program is referred as a misnomer? मैं भी दूंगी आपको question आज, ठीक है। Program over from the wife donor female and sperms from the husband donor are collected and are induced to form zygote under simulated conditions in the laboratory, ठीक है। सिमुलेटेड कंडीशंस का मतलब होता है जैसे कंडीशन में वो करता है वैसा ही आप उसको करके दीजिएगा, ठीक है। उसको सिमुलेशन बोला जाता है, मतलब उससे बिल्कुल मिलता जुलता कंडीशन उसको दिया जाता है लैब में, बट इन द लैबोरेटरी द जायगोट और अर्ली एम्ब्रियोज विद अप टू 8 ब्लास्टोमर्स, बहुत ध्यान दीजिएगा। ये जो है ना, ये 5-star पॉइंट है आपका, बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने बहुत अच्छे से समझाया है, मैंने जितनी क्लासेस कराई हैं आप उधर से फटाफट आंसर भी देते थे, तो आप लोगों को क्लियर है। अब इस बात को समझिए, कह रहा है अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, कुड देन बी ट्रांसफर्ड इन टू द फेलोपियन ट्यूब, क्लियर है।
जो 8 स्टेज मतलब 8 सेल स्टेज जो है उसको उठा के ले जाके यूट्रस में छोड़ दीजिएगा, वैजिना में जाके डॉक्टर पता चला उसको गलती से छोड़ दिया, तो सक्सेस रेट 0 होगा, है ना। तो अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स तक आपको गैमेट ट्रांसफर करना है, कहाँ जाएगा, फिलोपियन ट्यूब में। 8 सेल स्टेज के पहले का स्टेज है, कहाँ जाएगा, फिलोपियन ट्यूब में जाएगा, ठीक है। जायगोट कहाँ जाएगा, आप देखिए आगे अगला, अगर आपसे कोई पूछे कि जायगोट जो है ये कहाँ जाएगा, तो ये भी जाएगा कहाँ, फिलोपियन ट्यूब, ये तो नाम बेचारा खुद ही क्लियर कर रहा है, जायगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर एंड एम्ब्रियोज विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स इनटू द यूट्रस। अब देखिए यहाँ स्लाइम बदलिए, देखिए यहाँ से नोटबुक में आपको ये सारे 0.5 स्टार बना के जो मोर देन 8 लिख रहा है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स है उसको यूट्रस में ले जाया जाएगा। ये तो कॉमन सेंस है ना, ये तो नॉर्मल आपने पढ़ा हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन वीवो, पता है इन वीवो मतलब क्या होता है, इन नेचुरल कंडीशन, जैसे फीमेल बॉडी में होता है फ्यूजन ऑफ गेमेट्स विद इन द, तो वही बोल रहा है एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन वीवो ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दीज फीमेल्स हु कांट कंसीव। अब ये पता है कौन सा केस है, इस लास्ट लाइन को ध्यान से देखिए क्या हुआ, एम्ब्रियो बना किसी दूसरे फीमेल में। अब इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, रुकिए इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, देखिए अब यहाँ पे मैं आपको जो केस समझा रही हूँ वो ये है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा फीमेल वन और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज कीजिए फीमेल 2, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि ये फीमेल 1 का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल 2 का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। हुआ क्या कि एम्ब्रियो जो है इस फीमेल में बन गया, फॉरेनर लेडीज जो है ये ज्यादा करती हैं, इन लोगों को ये लोग जो है इस वाले केस को ज्यादा प्रेफर करती हैं, उनका कहना है भाई हमारी बॉडी फिट रहती है, हेल्दी रहते हैं, फिगर मेंटेन रहता है, जो भी है। तो इसकी बॉडी में जब एम्ब्रियो बना, समझिएगा बहुत ध्यान से, इसकी बॉडी में जो क्या हुआ, एम्ब्रियो बना, वो एम्ब्रियो कैसे बना है, इन वीवो का क्या मतलब है, इन वीवो का मतलब है नेचुरल, कोई दिक्कत किसी को, इन वीवो का क्या मतलब है, इन नेचुरल का, ठीक है। अब क्या हुआ, ये फीमेल कह रही है, ये फीमेल 1 जो है, ठीक है, ये कह रही है कि भाई ऐसा है मुझे ना चाहिए कि ये जो चाइल्ड है वो मेरा ही हो। अब ये एक्चुअल में इसकी बायोलॉजिकल मदर तो ये है ना, समझिएगा ध्यान से, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर अब ध्यान से समझिए, अब क्या होगा, अब क्या किया जाएगा, इस एम्ब्रियो को ये फीमेल जो है, मोस्टली जो ये फीमेल 2 है, जैसे फाइनेंशियली वीक है, मतलब बहुत पुअर है, इसने इसको कुछ पैसे दिए फीमेल 2 को, बोले भाई तुम एक काम कर लो, ये जो है ना पार्चोरिशन तक का आगे का सारा काम तुम करो, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये जो एम्ब्रियो है इस फीमेल ने अपनी बॉडी में यहाँ पे इम्प्लांट करा लिया। अब लाइन देखिए, अब आपको समझ आएगी, इसने क्या करा, इसको इम्प्लांट कराया कहाँ, अपनी बॉडी में। अब यहां से लेके अप टू पार्चोरिशन, ठीक है, ये करने का काम किसने किया है, इस फीमेल 2 ने किया है। कहानी समझ आ रही है, स्टोरी आ रही है समझ में। फिर क्या हुआ, इस फीमेल 2 ने क्या किया, एक चाइल्ड को बर्थ किया, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, इस चाइल्ड की, ये जो चाइल्ड है, अगर कल को जाके आप डीएनए टेस्ट कराइएगा तो इसकी बायोलॉजिकल मदर कौन होगी, 1 होगी या 2 होगी, कौन होगी बताइए, इसकी बायोलॉजिकल मदर कौन होगी, ये वाली फीमेल होगी या ये वाली होगी, सबको पता है ये क्या होगी, 1। तो यही मैं बोल रही थी कि दोनों केस, अब तो ये फंस गया ना, अब जाके, अब इतनी टेक्नोलॉजी आगे चली गई है कि अब फंस गया, अब जैसे ही इन फीमेल ने पकड़ा कि भाई सक्सेस रेट तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है इस फील्ड में, ये क्लिनिक में भी जाके पैसे खर्च कर रही है, इसको भी पैसे दे रही है, फिर उसके बाद इसका ये जो पार्चोरिशन तक का सारा जिम्मा है, खाने पीने का क्या है नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फीमेल उठा रही है फीमेल 1, बट चाइल्ड बर्थ तक का जो पेन हो, जो भी उतना मतलब हार्मोनल चेंज है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, डिप्रेशन है, सब तो ये बेचारी फीमेल झेल रही है।
तो इस बच्चे की जो बायोलॉजिकल मदर है वो ये फीमेल वन होगी। इसके लिए, इस चीज के लिए जो आपकी एनसीईआरटी है यहाँ पे, ठीक है, वो इस तरीके से करके इसको तैयार कर रहा है। अब देखिए इस लाइन को, अब आपको समझ आएगा। अब जो ये बोल रहा है, कह रहा है एम्ब्रियोज फॉर्म्ड बाय इन विवो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गेमेट्स विद इन द फीमेल ऑल्सो कुड बी यूज फॉर सच ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल्स हु कांट कंसीव, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे के लिए भी यूज किया जा सकता है बहुत सारी। अब वो तो मैंने सरोगेसी का केस बताया, अब ये वैसे ही फीमेल भी एक्वायर कर सकती। मान लीजिए किसी का फेलोपियन ही ट्यूब खराब है, ठीक है, फेलोपियन ट्यूब खराब है तो सारा फर्टिलाइजेशन एक्स वाई जेड जो भी हुआ एम्ब्रियो वगैरह सब बाहर बढ़ा, फिर जाके उसके यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया गया। बात समझ आ रही है मेरी, ठीक है। अब चलिए गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर पे चलते हैं। यहाँ पे क्या आ रहा है, ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इन टू द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब ओवम भी किससे ले रहे हैं, डोनर से ले रहे हैं। ये वाला अरुणिमा आप पूछ रहे हैं, यही ना? Yes, यही पूछ रहा है ना। देखिए यहाँ पे जो ओवम है उसको किससे लिया, डोनर से लिया, हाँ, इनटू द फेलोपियन ट्यूब। तो ये हो गया गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल। साफ देखिए यहाँ कंडीशनिंग बता रहा है ये, हु कांट फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड, ठीक है। कोई ऐसी फीमेल है जिसकी बॉडी में ये सब हो ही नहीं सकता, तो दूसरी फीमेल से ओवम को लिया जाता है, ठीक है। पता चला बन ही नहीं रहा है ओवम, तो दूसरी फीमेल से लिया जा सकता है, ऐसा भी कहते हैं हम इसको। उसको भी हम लोग क्या टर्म देंगे, अब है तो वही गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, तो वही हम लोग फिर क्या किया जाता है, इसको कौन फॉलो करता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब स्पर्म को उस ओवम में इंजेक्ट किया जाता है, फिर क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है। और इन द लैबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम इन फर्टिलिटी केसेस इधर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन द इजैकुलेट। स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कम है, पोटेंशियल नहीं है, 72 घंटे से ज्यादा वो वेजिना में ही घूमता रह गया, वो नहीं जाएगा। बहुत सारे काउंटलेस रीजंस हैं इनफर्टिलिटी के, ठीक है। कोई ये बोल नहीं सकता कि मैंने एक डायरी में सारा रीजन लिख दिया, बहुत सारे कुछ तो ऐसे हैं कि अननोन फैक्ट से पता ही नहीं है अभी तक, ठीक है। कई डॉक्टर्स तो चैलेंज करते हैं कि इसकी बॉडी में सब कुछ ठीक है, एक आध हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस होने की वजह से सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये तो बहुत आसान है। इंसेमिनेशन का क्या मतलब होता है भाई, मेल गैमेट को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचाना। और जब आप इसको आर्टिफिशियली करेंगे, मतलब स्पर्म जो है सीमेन कलेक्टेड ईदर फ्रॉम द हस्बैंड और अ हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड ईदर इनटू द वेजिना और इनटू द यूट्रस, ठीक है। वेजिना में भी कर दिया ट्रांसफर, तो अगर स्पर्म मोटाइल है, ठीक है, अगर हेल्दी है तो वो अपने आप चला जाएगा स्विमिंग करके, उसको कोई दिक्कत नहीं। इसलिए इसमें दोनों लिखा है, वेजिना और यूट्रस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन। अगर यहाँ पे कंफर्मेशन है कि इसको कहाँ कराया गया है, यूट्रस में, तो उसको नाम हम लोग क्या दे देते हैं, इंट्रा यूटराइन। इंट्रा मतलब अंदर, यूटराइन मतलब यूट्रस के अंदर इंसेमिनेशन, मतलब ट्रांसफर करना, ठीक। लास्ट पैरा में कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि सारी इतनी सारी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करी है, सब कुछ किया है, ये सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है और बहुत स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स चाहिए इसके लिए। देयरफॉर दीज फैसिलिटीज आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली इन फ्यू सेंटर्स इन द कंट्री, ठीक है। ऑब्वियसली देयर बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल, इमोशनल रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर ऑल्सो डिटरेंट्स इन द अडॉप्शन ऑफ दीज मेथड सिंस द अल्टीमेट एम ऑफ दीज प्रोसीजर्स इज टू हैव चिल्ड्रेन। इन इंडिया वी हैव सो मेनी ऑर्फन टू डेस्टिट्यूट चिल्ड्रेन हु वुड प्रोबेबली नॉट सर्वाइव टिल मेच्योरिटी, ठीक है, अनलेस टेकन केयर ऑफ। Our laws permit legal adoption and it is as yet one of the best methods for couples looking for parenthood. ठीक है, बाद में ये ऑप्शन बता रहा है आपको, और इससे आपको समझ आया होगा कि कौन कौन सा केस जो है ये यहाँ पे क्लियर करना चाहता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, इसको मैं हटा देती हूँ, ये ऐसे ही मैंने लिख रखा था, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ये समझाने के लिए। ये सरोगेसी का केस है और वहां पे उसने दूसरा केस बताया, ठीक। सबका अलग अलग केस है, आप जितने केसेस देखना चाहते हैं, इतने काउंटलेस केसेस हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं उसके बारे में कि कितने केसेस जो हैं वो यहाँ पे देखे जाते हैं। इनफर्टिलिटी का कौन कौन सा कॉज है, बहुत सारे कॉजेस हैं इसके, बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको, दो तीन तो मैं एक्सप्लेन करके एटलीस्ट बता ही सकती हूँ। देखिए
चलिए दो तीन केसेस तो मैं बता ही सकती हूँ आपको। एक बस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम लगा दूं ताकि आपको इजीली समझ आए। फीमेल से सिर्फ फीमेल ही ओपन हो गया ये। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ आ रहा है सबको? ऐसे तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सब तो न्यूज़पेपर। एक स्टूडेंट थी दीपांशा मारू नाम की, अभी मौलाना आजाद कॉलेज में है, वो स्टूडेंट है मेरी, ठीक है। 2013 में सिलेक्शन हुआ था उसका, 2013 में। उस लड़की ने ये जो टॉपिक है ना, ये ARTI, इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया था ना कि मतलब उसके प्रोजेक्ट के लिए होता नहीं, टीचर्स वगैरह कुछ होता है कि रखना चाहती है कि हमें ये प्रोजेक्ट चाहिए, मतलब इवन उसने, जैसे शाहरुख खान है, उसका थर्ड बेबी शायद सरोगेसी से ही हुआ है ना, तो सब कुछ मतलब उसने लगाया था, पता नहीं कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट किया था उसने, बहुत बढ़िया उसने इसके ऊपर जो ये है वो बनाया था। इधर कहाँ चला गया ये, काफी छोटा है, अब ठीक है, ब्लर जैसा लग रहा है। अच्छा चलिए, समझाने से मतलब है मुझे। देखिए जैसे आप लोग यहाँ पे समझना चाहते हैं कि कौन कौन से केसेस हो सकते हैं इनफर्टिलिटी कॉजेज, मैं बता रही हूँ आपको। अब ऐसा नहीं कि फीमेल का मैंने बना दिया तो मेल रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। अगर मान लीजिए कि हम लोग समझते हैं ऐसा कि हम यहाँ पे इनफर्टिलिटी वेरियस इनफर्टिलिटी कॉजेज समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझिए इसको। देखिए पहला केस नंबर वन, चाहे तो आप कॉपी पे लिख सकते हैं, मैं समझा रही हूँ आपको। कोई फीमेल है, अब ये तो सबको पता है कि ये वाला जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक का ये पार्ट क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। अगर कोई फीमेल ऐसी हो जिसका फेलोपियन ट्यूब खराब हो, क्या फर्टिलाइजेशन हो सकता है उसकी बॉडी में, यस और नो? नो मैम, नो मैम, नहीं होगा, ठीक है। दूसरा केस, यहाँ पे इसका जो इसका जो यूटेराइन वॉल है यहाँ पे, ठीक है, ये जो यूटेराइन वॉल है इम्प्लांटेशन के लिए इसको बहुत तैयारी चाहिए। द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम नीड्स और रिक्वायर्स टू मेनी, ठीक है, फैसिलिटीज फॉर इम्प्लांटेशन, बहुत ज्यादा इसको चेंजेस चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि सब कुछ ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब डॉक्टर ने जब चेक किया तो काफी सालों से, 5 साल 6 साल 7 साल इसने वेट किया, बट पता चला इसको कि नहीं हो पा रहा, मतलब किसी भी तरीके से वो मिसकैरेज की तरफ लीड कर रहा है। तो पता चला कि इसके यूट्रस के ऊपर, इसकी यूट्रस के वॉल के ऊपर कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से इसको वो सुटेबल ऑप्टिमम कंडीशंस नहीं मिल पाते कि ये क्या कर सके, उसको फर्दर डेवलपमेंट करा सके, वो भी रीजन है, ठीक है। एक रीजन होता है सबसे ज्यादा वैसी फीमेल्स में जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता ही नहीं, इसका मतलब है कि ओवम नहीं रिलीज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो ये ओवरी है इसका काम क्या है, ओजेनेसिस का है। इसका ओवरी का क्या काम है कि इसको कुछ करना है चाहे नहीं करना है, इसको ओवम बना के देना है, ठीक है। अब पता चला ओवम ही नहीं बन रहा तब भी दिक्कत है, ठीक है। अब जैसे एक तीसरा ही केस मैंने आपको सरोगेसी वाला केस अभी बताया, जिसमें एक फीमेल है, सब कुछ सही है उसका, सब कुछ ठीक है, दूसरी का भी सब कुछ ठीक है, ठीक है, लेकिन जो फीमेल वन है उसको कोई शौक नहीं है, कोई मतलब पेन वगैरह टॉलरेट करने का, तो उसने दूसरी फीमेल को हायर कर लिया, बोला कि तुम क्या करो इसको, जो आगे जो चाइल्ड बर्थ का और चाइल्ड के डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस फीचर है उसको तुम आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करो। असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखूं मैं, साथ में आंसर भी करेंगे आप लोग जैसे हमेशा करते थे। असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखूं मैं? यस मैम। किसी को और कोई डाउट हो पूछ लीजिए मेरे से, नहीं तो मैं असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट कर, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए।
साथ के साथ आंसर भी करते जाइएगा, जिससे मुझे पता चले किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Why is the term, जो मैंने बोला था कि मैं दूंगी आपको, पहले ही मैंने बोला था, Why is the term test tube baby, एक ही साथ हो गया ये। Why is the term test tube baby referred as a misnomer? का मतलब होता है मिथ, होता है ना, है ना? तो आपको बोलना है टेस्ट ट्यूब में थोड़ी बनता है ना, यही लिखना है बस इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं लिखना है। कि जो फर्दर डेवलपमेंट है वो एक, कोई अगर ह्यूमन बोले ना कि भाई मैंने इतना मिलियन बिलियन इतने पैसे खर्च करके मैंने रोबोट बनाया है, अभी तक तो वैसा कोई रोबोट भी नहीं बना है जो बोले कि इसकी बॉडी में ये सब कराया जा सकता है, सब गॉड्स क्रिएशन है, वही कर सकते हैं, है ना? तो ये आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन GIFT, समझ गए होंगे क्वेश्चन, एंड ZIFT, इट्स गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एंड ZIFT इज जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। छोटा सा डायग्राम बना के मैंने देखा है टेबल में, बच्चे वहां पे बता देते हैं कि हम क्या समझते हैं इससे। डायग्राम बना के भी कई बच्चे जो हैं इसको क्लियर करके बताते हैं, ठीक है? अब अगर आपको किसी एग्जामिनर ने दे दिया ऐसा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, अगर आपको लिख दिया गया यहाँ पे राइट अ नोट ऑन ARTI, मतलब आप फंस गए वहां पे आपको सब पूरा पेज नंबर 64 जो है आपकी NCERT का, वो पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन करना है। अगर आपको बोल दिया गया कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जो है उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है, ठीक है? चलिए चौथा क्वेश्चन लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है? ये आपको समझा देना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फिफ्थ क्वेश्चन। गिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, फॉर IVF, ठीक है? इसको कर लीजिएगा खूब अच्छे से, डायग्राम बना के एक्सप्लेन कीजिएगा वो जो डायग्राम है इसमें बना हुआ। चलिए और स्टेप्स लिख लीजिएगा, उसके स्टेप्स भी हैं उसमें। राइट अ शॉर्ट नोट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। सेवेंथ क्वेश्चन लिखिए, when first test tube baby was formed, test tube baby का मतलब किसका यूज किया गया था यहाँ पे, by using, हाँ ठीक है, वेरी गुड, बाय यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। व्हेन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज फॉर्म्ड, चलिए एट्थ क्वेश्चन लिखिए, एक्सपेंड Expand CDRI, पता ही आपको, पिछले क्लास में सीखा है आपने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उधर से म्यूट करेंगे जिसका भी रह गया है अनम्यूट। नाइन्थ क्वेश्चन लिखिए, मेंशन सम कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी। जरूरी नहीं है कि फीमेल वाला, मेल वाला भी सारा केस आपको जो भी समझ आता है। मेंशन सम कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी LITY इन ह्यूमंस, इन ह्यूमंस, ठीक है, ये हो गया। देन टेंथ क्वेश्चन लिखिए, टेंथ क्वेश्चन में ये लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे दे देती हूँ करके, एक्सपेंड, ये तो खैर आप अभी तक सब सीखा ही आप लोगों ने, इसको मैं फटाफट लिख देती हूँ, ये हो जाएगा expand the following terms, ठीक है। इसको जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसमें ये सब लिखते जाइए, देखिए मैं कॉमा डाल डाल के लिख देती हूँ, बाकी तो आप लोग खुद ही स्मार्ट है, लिख ही लेंगे। चलिए पहला है आपका, कैप्स लॉक ही ऑन कर देती हूँ, ICSI, ठीक है। दूसरा लिखिए यहाँ पे ART, फिर लिखिए यहाँ पे ZIF, सबका फुल फॉर्म लिखना है, फिर लिखिए यहाँ पे GIFT, फिर लिखिए IVF, कोई रिपीट होगा तो बताइएगा, फिर लिखिए यहाँ पे, अभी तो मैंने दिया ही ऊपर CDRI का, इसका रहने दीजिए, IUI, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिए एम्ब्रियो ट्रांसफर, फिर लिखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, AI का मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं दे पाई तो यहाँ पे आ गया ये, और फिर MTP भी लिख ही लिया है आपने, ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया है। इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं। असाइनमेंट क्वेश्चंस नोट कर लिए आप लोगों ने, है ना? Yes, ये हो गया होगा नोट आपसे। चलिए
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे इसके स्टेप्स लिख दीजिएगा, ठीक है? यानी कि पहले यहाँ पे आप स्टेप वन के तौर पे लिखिएगा। हाँ बोलिए बोलिए, थोड़ा सा एमटी पे थोड़ा सा बता देना, थोड़ा एमटी कुछ बोलना है किसी को? मैम एमटीपी, एमटीपी देखिए, एमटीपी है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आपकी क्लास मिस हुई है क्या वीना? वो तो मैं सुनी रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ आपसे आपकी कोई क्लास मिस हुई है क्या? नो मैम, लेट से पर ज्वाइन किया है। तो रिकॉर्डिंग्स वगैरह देख लिया कीजिए, ठीक है? चलिए मैं बता देती हूँ यहाँ पे ऐसे एमटीपी, अगर आपकी ट्रेन छूट जाए, आपने रिजर्वेशन, हाँ अगर आपने रिजर्वेशन टिकट ली है, अगर आपकी ट्रेन छूट जाए, ठीक है, आप रेलवे मिनिस्टर को फोन करके बोलिएगा एक काम कीजिए मैं ना अभी लेट आई हूँ, या फिर जो भी एक्स वाई जेड रीजन है, ट्रेन को ना दोबारा भेजिए स्टेशन पे। भेजेगा क्या वो? नहीं ना। कोई अगर वैसा रीजन होता है, रिकॉर्डिंग्स आपको तो बहुत फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है, तो उसको देख लिया कीजिए। रिकॉर्डिंग भी जगह जगह पे डलती है, पीडीएफ भी आपको सेंड किया जाता है। मैं भूल भी गई क्या लिख रही थी मैं, मेडिकल टर्मिनेशन हाँ ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए देखिए यहाँ पे इसका पहली बात तो कि फुल फॉर्म यही है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है, बेसिकली साफ साफ आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे किया जाता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है, बहुत सारे इसके रीजंस हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी और अदर रीजंस, और अदर रीजंस जैसे जब हम लोग एज फॉर एग्जाम्पल इसका देखना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कौन सी बात निकल के सामने आती है ये देखिए। स्थान ये ऐसे एक टॉपिक है, देखिए यहाँ पे पहले ही इसने बोला है वाई एमटीपी, और पहले तो ये था भी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये 1971 में इसको लीगलाइज किया है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कुछ ऐसे केसेस भी आते, रेयर केसेस जहाँ पे फीमेल जो है वो कहती है कि उसको एमटीपी कराना है, लेकिन गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं करता, ठीक है, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज, ताकि इसके यूज को क्या किया जा सके, मिसयूज किया जा सके। क्यों होता है ये वाई? वाई में देखिए, इधर देखिए, गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, नहीं चाहिए फीमेल को। दूसरी चीज, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, फीमेल रेडी नहीं थी, मेल भी रेडी नहीं था, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया लेकिन उसका फेलियर हो गया, ठीक है, या फिर अदर अगर हम लोग देखें रेप वगैरह के केस में, ठीक है, सर्टेन केसेस में है जहां पे कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर किया जाए, ठीक है, तो उससे मदर को खतरा हो सकता है। जैसे डॉक्टर ने पहली शुरुआत में ही बता दिया भाई मदर की डेथ हो सकती है, या फिर दोनों को ही खतरा हो सकता है, तो इस केस में क्या किया जाता है, इसको अलाउ किया जाता है, गवर्नमेंट इसको अलाउ करता है, लेकिन ये सिर्फ अप टू 12 वीक्स तक ही होता है, इसके बाद ये डेंजरस हो जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर, कोई भी अपने जान पे नहीं बनने देना चाहता, तो जिसकी वजह से इसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है कि ऐसा ना हो कि कहीं फीमेल को कोई इसे डेंजर हो। अब क्लियर है, समझ आया, ठीक है। और एक चीज बस इसको आप याद रखिएगा, जो आपने उस टाइम भी नोट किया होगा शायद, वहां पे जो मैं जो लिख रही थी वो तो आज काम नहीं कर रहा है, उस जिस ऐप के थ्रू आप लोग पढ़ रहे थे प्रीवियस डेज में, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ उसमें है पीडीएफ में, मैं दोनों को एक साथ करके कोशिश करती हूँ, मैं इकट्ठा करके भेज देती हूँ आज आपको,
बस एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971 बट ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक केसेस। ठीक है, क्या क्या आप लोग लिख लीजिएगा, तो कोई भी बच्चा बना के भी बच्चे इससे भी अच्छा लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर फोर जो कि आज टर्मिनेट कर दिया मैंने आपको। देखिए, मैंने जो सोचा था मन में कि मैं मई के एंड तक शायद चैप्टर फोर का एंड होगा, लेकिन नहीं, आज 13th May है और मैंने चैप्टर फोर आपका ओवर करा दिया है, जबकि बहुत डिटेल में कराया है। कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ा है या कोई चीज जो मैंने लीव करी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ डिटेल में किया है आपने, है ना। सारी चीजें जो है वो एक एक चीज आपने समझा है, इवन जहाँ पे जो भी एग्जाम्पल आ रहा था वो मैंने आपको दिया है, समझाया है, कोई भी चीज मिसिंग नहीं है इसमें। ठीक है, कोई डाउट किसी को लीव कर सकते हैं हम लोग, क्लियर है। थैंक यू मैम। यस मैम। और एक चीज, एक मिनट, लीव करने के पहले एक बात सुन लीजिए, सारे बच्चों को मैं बोल रही हूँ, आकांक्षा, आयशा, आलिया, अनुप्रिया, अरुणिमा, हाँ, जागृति, सत्यम, आज तो सत्यम भी कनेक्टेड है, वीना, सारे बच्चे एक बात सुन लीजिए। ठीक है, पहले मेरी ये बात सुन लीजिए, फिर आप लीव करिएगा, एक मिनट रुक जाइए। मैंने इसलिए सोचा था कि मतलब थोड़ा पहले मुझे आपको करा के और एक चीज समझाना है। देखिए, सुन लीजिए, मैं अगली क्लास में आपको जेनेटिक्स स्टार्ट करने जा रही हूँ, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ना, जैसे चैप्टर वन से लेके चैप्टर फोर तक, ये आप लोगों ने रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ा है, इसमें ऐसा होता है कि किसी बच्चे का नहीं हुआ ना, तो दो दो दिन में चैप्टर खत्म करके मैं भेज देती हूँ बच्चे को। ये जेनेटिक्स है, इसके साथ कोई, हाँ, ये जेनेटिक्स है, इसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। क्लास नहीं बोल रही, कोई बच्चा 5 मिनट भी नहीं मिस करेगा। अगर आप 5 मिनट भी मिस करते हैं और अगर आप मेरे से बोलिएगा मैडम दोबारा एक्सप्लेन कीजिए, तो पॉसिबल नहीं है। जेनेटिक्स के एक सिंगल, ठीक है, एक सिंगल केस के ऊपर मैं 10 questions बनवाती हूँ, और यही वो यूनिट है चैप्टर 5 और चैप्टर 6, जिसकी वजह से मैंने ये 4 chapters मच अर्लियर खत्म कराए हैं आपके, जो इतनी जल्दी अभी तक किसी ने भी नहीं कराया होगा चैप्टर 4 खत्म, जहां भी जिसने भी स्टार्ट किया होगा अप्रैल में, बट मैंने इसको ओवर करा दिया 4 chapters अभी। जेनेटिक्स के साथ में कोई रिस्क नहीं। आप लोगों को लगता होगा ना कि ये क्यों इतनी बकवास करती है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालू नीट, फर्स्ट अटेम्प्ट, ये जेनेटिक्स जो है ना, इसमें जेनेटिक्स का क्या मतलब आप समझ रहे हैं? जेनेटिक्स का मतलब है आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 11 है बायोटेक्नोलॉजी का और चैप्टर 12 है बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, बिना जेनेटिक्स आगे जो मैं स्टार्ट, अगर आप जेनेटिक्स का पीरियड मिस करते हैं तो इसका मतलब है आपका आगे का ये चारों चैप्टर जो है ना खत्म हो जाएगा। ये पहले आप दिमाग में रख लीजिए, पहली चीज, ऐसा नहीं कि मैं डरा रही हूँ, तो जेनेटिक्स में बच्चे का इतना पुख्ता तैयार कर देती हूँ कि बच्चा कहीं से कुछ मिस ही नहीं करता है, चैप्टर 5, 6, 11, 12 सबका बेस। तो आप ये बात तो अलग है कि आप बोलेंगे कि मैडम पिछले पीरियड में हम नहीं थे, तो हम बोलेंगे, मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ, फिर एक काम करो, तुम एबसेंट ही रहो, इसके बाद तुम पढ़ो ही मत मेरे से, एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक ही तरीके से टीचर पे एहसान कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे नीट निकाल के देते हैं, बाकी अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे या फिर जो भी एक्स वाई जेड आपका रीजन है, आप में से कोई भी बच्चा मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रहा। ठीक है, आपको अगर मेरे पे एहसान करना है तो एक काम कीजिए, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट निकाल के दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से ओपन चैलेंज आपको देती हूँ कि हाँ भाई, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। मैंने दिया है तो मेरे कॉन्फिडेंस का रीजन भी वही है, मेरे बच्चे ही मेरा कॉन्फिडेंस है, जिन प्रीवियस ईयर में मैंने बच्चों को कराया है, उन्होंने दिया है। कई फाइनेंशियली वीक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं लिया है, उन्होंने ये बोला है कि मैडम क्यों एडमिशन लेके पैसे वेस्ट करना, जब हम इस साल कहीं ना कहीं नीट में अपनी सीट सिक्योर कर ही लेंगे। जो भी डेट वगैरह एक्सटेंड हो रहा है वो तो बात की बात है, बट मैं आपको बार बार वार्निंग दे रही हूँ, आप में से जिसके पास भी किसी फ्रेंड का या किसी का भी नंबर है, उन लोगों को वार्निंग दे दीजिएगा कि जेनेटिक्स का जो पीरियड है वो एक भी बच्चा मिस नहीं करेगा, नहीं तो मेरे से कोई कंप्लेन मत करे, मैडम थोड़ा सा वो छूट गया था, वो करा दीजिए, उधर करा दीजिए, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मेरा बस चले तो मैं तो एक भी पीडीएफ ना सेंड करूं आपको। ठीक है,
वो तो फिर भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस का ट्रेंड है, तो चलिए मैंने उसको थोड़ा सा कर दिया कि ईच एंड एवरी चैप्टर एंड में मैं आप लोगों को भेज दूंगी। लेकिन कोशिश बिल्कुल यही कीजिए, भले ही बायोलॉजी है लेकिन कई ऐसे ऐसे बच्चे भी जिन बच्चों ने पहली बार में मेहनत करी है, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, उसका रीजन ये है कि वो बच्चे टीचर के साथ साथ क्लास में लगे रहते हैं कि हाउ कैन आई यूटिलाइज माई 100%। ठीक है, तो आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो मैंने सोचा था कि ये चैप्टर ओवर कराने के बाद मैं आपको ये बात समझा दूंगी। ठीक है, चलिए अब लीव करते हैं हम लोग।